हेलो गाइस, फटाफट के फूड ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है और मैं दीपक पांडे आज आपको बताने वाला हूँ कि लाइव पिज़्ज़ा कैसे बनता है। और इसलिए मैं यहाँ पे आज अंबेडकर चौक पे जो चिल आउट है वहाँ पे आ गया हूँ। और आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे बोर्ड लगी हुई है जहाँ पे कि आपको वेज पिज़्ज़ा का पूरा वो दिखेगा। सिंपली चीज़ हो, चीज़ डिलाइट हो, वेज स्ट्रीट हो, वेज स्पेशल हो, वेज फिश पिज़्ज़ा हो। और यहाँ पर जो इनका ब्राउचर है, यहाँ पर आपको मैं बता दूँ जो मैपिनो पिज़्ज़ा है यहाँ पर बहुत स्पेशल है, इसको लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और भी क्लाउड वन पिज़्ज़ा है, शेफ वेज स्पेशल है, और सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। और मैं आपको डायरेक्ट अंदर ले चलता हूं, जो भाई इसको बनाते हैं वो हमको बताएंगे कैसे बनता है। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम नीतीश कुमार है सर। नीतीश, कैसे बनाते हैं वेज पिज़्ज़ा? ये हमारा सबसे पहले ये हमारा बेस है, ये हमारा मिक्सर मशीन है। ये हम इसमें पहले आटा डालते हैं। आटा डालने के 5 किलो, जैसे हम 5 किलो आटा बनाए उसमें 1 किलो बैंडो बनाते हैं, इसमें मैदा 5 किलो मैदा डालते हैं और 1 किलो हम प्रीमिक्स पाउडर डालते हैं, 300 ग्राम तेल डालते हैं। उसके बाद इसे हम घुलाते हैं 5 या 8-10 मिनट के लिए। इसे हम बेस को रेडी कर रहे हैं घुलाने के, मिक्स करने के लिए। फिर उसके बाद मैं गोले तोलता हूँ इसको। एक बेस का गोला 140 ग्राम स्मॉल का होता है और मीडियम का 200-280 ग्राम और लार्ज का होता है 400 ग्राम लार्ज का होता है। फिर उसके बाद हम लोग इसे बेस को बेलेंगे। हाँ, दिखा रहे हैं। ये हमारा स्मॉल साइज का बेस, उसके बाद हम बेस पे रखेंगे, इसे प्रॉपर गोल करेंगे। जितना हमारा प्रॉपर इसे हम गोल करेंगे धीरे धीरे हाथों से। फिर उसके बाद हम अपना प्रोसेस चलते हैं। फिर उसके बाद ये हैंड पकड़ेंगे, इसके हम इसे छेद करेंगे क्योंकि हमारा लावा ना उबले जब ओवन में डालेंगे तो। प्रॉपर छेद करना है चारों पट्टी। क्या बोलते हैं इसको जो हाथ से कर रहे हैं? ये हैंड का ऐसे छेद करने वाला, इसे हैंड। फिर उसके बाद हम इसमें सॉस लगाएंगे। ये पिज्जा पास्ता सॉस है और मखनी सॉस से बना हुआ मिक्स है ये। कहाँ से बनाते हैं? ये मैं खुद हम लोग बनाते हैं। कितना देर में बन जाता है ये? 1 मिनट में बन जाएगा, रेडी हो जाएगा। उसमें क्या क्या डालते हैं चटनी में बताइए? सिर्फ पिज्जा पास्ता सॉस और मखनी सॉस, दोनों सॉस मिला के। और 200, जैसे हमारा एक किलो पिज्जा पास्ता सॉस डालेंगे, आधा किलो मखनी डालेंगे और 1 लीटर पानी डालेंगे। उसके बाद हम मिक्स करेंगे सॉस को। फिर हल्के हाथों से इसे एक बार में ही पूरा बेस को साइड में छोड़ देना है, पूरे नहीं लगाना हमको बेस में। फिर उसके बाद वाइट चीज़ ड्रेसिंग डालेंगे। ये हमारा वाइट चीज़ ड्रेसिंग है, पहले साइड से लगाना है, पूरे लगाना है। फिर उसके बाद फिल्डर चीज डाल के फिर उसके बाद मुजिला चीज डालेंगे, हल्का सा नीचे हल्का सा मुजिला चीज डालेंगे। फिर उसके बाद सारा टॉपिंग डालेंगे, जैसे हमारा ओनियन हो गया, कैप्सिकम हो गया। आराम से साइड में, पहले साइड में जो भी आइटम डालना है साइड से डालना है। फिर उसके बाद टमाटो हो गया। हम बना रहे हैं इसको मैपिनोज पिज़्ज़ा, जो स्पेशल है आपके। हाँ, टमाटो हो गया, कोन हो गया। फिर उसके बाद मशरूम डालेंगे, इसमें मशरूम भी जाएगा। मशरूम के बाद ओलिव जाएगा, जो भी डालना है साइड से सारा आइटम पहले पूरे करना है, फिर उसके बाद बीच में। फिर उसके बाद जैलोपिनो जाएगा, इसे हम जैलोपिनो एलोपिनो बोलते हैं, जे साइलेंट में रहता है। फिर उसके बाद मुजरेला चीज दोबारा डालेंगे ऊपर। अच्छा, इसे क्या होता है या टेस्ट में क्या? टेस्ट हमारा बहुत अच्छा हो जाता है इस चीज़ से। अच्छा, हाँ, पिज़्ज़ा का टेस्ट बहुत स्वाद में आ जाते हैं इस चीज़ से हमारे। ये पिज़्ज़ा में नहीं पड़ेगा तो पिज़्ज़ा समझिए रोटी जैसा, मैं रोटी खा रहा हूँ। अच्छा,
ये कहाँ से सीखा आपने बनाना? हम लोग दिल्ली में रहते, दिल्ली में काम किए हैं। यहाँ कितने दिन से? यहाँ हम 1.5 महीने से हैं सर। यहाँ पे कैसे रिस्पॉन्स है, लोग पसंद कर रहे हैं? लोग बहुत अच्छे से पसंद कर रहे हैं। फिर उसके बाद ये हमारा बेस रेडी हो गया, उसके बाद हम लोग ओवन में डालेंगे। ये हमारा ओवन है, ये हमारा 5 मिनट में रेडी होगा। ये हमारा टाइम लग गया, 5 मिनट में रेडी होकर निकलेगा बाहर। ठीक है, हम वेट करते हैं 5 मिनट। ये मेरा हैंड बेस है, इससे मैं स्लेब से 1 मिनट के लिए स्लेब से मैं उतारता हूँ, क्योंकि हमारा नीचे का बेस भी पकना ज़रूरी है, इसलिए हमारा 1 मिनट स्लेब से उतारना है, तब नीचे का बेस हमारा पकेगा। हमारा बेस हो गया अब रेडी, ये हमारा आइटम रेडी हो गया। उसके बाद हम ये सलवार लाएंगे, सलवार पे बटर पेपर डालेंगे। उसके बाद स्मॉल साइज को हम 4 पीस करेंगे। स्लेब को काटने के बाद इससे कटर से 4 पीस करेंगे आराम से, हाथों से धीरे धीरे, कि बेस हमारे टॉपिंग न छित रहा। ये हमारा बेस रेडी हो गया, अब हम कस्टमर के आगे सर्व कर सकते हैं। कैसे सर्व करेंगे वो? ये ऐसे हमारा क्यूटी है, जैसे हम कस्टमर को हमारा आएंगे, कस्टमर हमारे पास आएंगे, उसके बाद क्यूटी दे नाम पूछेंगे, उसके बाद देंगे। ओके गाइस, तो नीतीश ने मेरे को मोपिनो, मैपिनो बना के दिखाया। मैं टेस्ट कर रहा हूँ आपके सामने और बताता हूँ हाउ टेस्टी इट इज़। यार बहुत अच्छा बनाया आपने, बहुत टेस्टी है। तो आप जब भी बनारस चौक आते हो, चिल आउट में आते हो, तो एक बार पिज़्ज़ा कॉर्नर पे ज़रूर आएँ और नीतीश भाई के हाथ का बना पिज़्ज़ा खाएँ, आपको बहुत पसंद आएगा। थैंक यू वेरी मच गाइस।